आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुख समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे 6 महीने तक उस वक्त के कांग्रेस के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कैंपेन चलाया, शर्मा भ्रष्टाचारी है, उसको हम जेल में डालेंगे। बड़ा बेचारा मेला मूला है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। दुखी हो? अरे हंस के हो, दुखी हो जाओ। जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए, वो मशीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने बना ली है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के लिए जोरदार तालियां। ये जो उपकरण आपके सामने है, ये इतना अद्भुत उपकरण है कि लोग इसको ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सी मशीन है जिसके अंदर वो लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी बताया, वो लोग जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुख समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे 6 महीने तक उस वक्त के कांग्रेस के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कैंपेन चलाया। कितने महीने तक? कितने महीने? कितने महीने? 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुकलेट बांटी कि हेमंत बिस्व शर्मा जो उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने वाटर स्कैम कर दिया, उन्होंने शारदा स्कैम कर दिया, वो भ्रष्टाचारी है, उनको सत्ता से हटाया जाए। कितने महीने कैंपेन चला? 6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। उनका वर्कर एक एक घर में गया, शाखा में गया, मोहल्लों में, चाय की दुकानों में, सब जगह बोलते रहे हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, उसको हम जेल में डालेंगे। बड़ा बेचारा मेला मूला है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। दुखी हो? अरे हंस के हो, दुखी हो जाओ। अभी तुम दुखी दिखो क्योंकि तुम्हारे ऊपर सीबीआई और ईडी पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे, तो दुखी हो जाओ। आगे बेचारा दुखी है, ये बहुत दुखी है क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है, इसको भ्रष्टाचारी कह रही है, इसके पीछे सीबीआई और ईडी भी पड़ी हुई है, परिवार भी इसका बहुत परेशान है। क्या कहते थे? मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे पीछे ईडी पड़ी हुई थी, मैं जब भी पीड़ी सुनता था, सीढ़ी सुनता था, मुझे ईडी सुना नहीं था। मेरे दोस्त कहते थे तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। सुनिए आपने वो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अंदर प्रवेश करो, अभी अंदर ही रहना। अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? अब दो ही तरह से धुलाई हो सकती है, तो जनता धुलाई कर दे या वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी धुलाई कर दे। तो अब ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा? संतरा। अभी देखते हैं जादूगर पाशा। सिर्फ मंत्री थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी है। और भी है हमारे पास कुछ लोग, आप कौन है? ये अजीत पल्लर है। दुखी हो जाओ, ये भी बहुत दुखी है। और इनके विषय में आपको याद होगा कहा गया था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का कॉपरेटिव घोटाला किया। कितने का? 70,000 करोड़।
हजार करोड़, तीनों अलग अलग बोलेंगे, बोलो 70,000 करोड़। इतना बड़ा घोटाला किया था और कहा था जेल में चक्की पीसिंग 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 थोड़ी, और कैसे भी पिसा लो वो पिस जाएगी। क्यों गुप्ता जी ठीक कह रहे हो ना, तो इनके बाद में ये कहा था, तभी एनसीबी में थे, फिर ये इस अद्भुत मशीन के अंदर गए। जाओ श्री चौहान करो, गुप्ता जी कह रहे हैं अभी मशीन जो है इसके अंदर इनकी धुलाई हो रही है। आओ भाई बाहर आ जाओ, ये देखो पहले इनकी पत्नी के ऊपर एक मुनमा था, कितने का था 26,000 करोड़, आजकल यूथ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, 26,000 करोड़ का मुकदमा इनके ऊपर खत्म हो गया। ये है इस वॉशिंग मशीन का चमत्कार, बोलो वॉशिंग मशीन की, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने उपकरण बनाया, देश का नाम ऊपर किया उन्होंने। अब कौन है अपने, ये है प्रवीण जिंदल, नाम से बदल दिया तुम्हारे, कोई बात नहीं, लोग समझ गए ना तुम कौन है। इनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था, कोयले घोटाले का इनके बारे में कहा जाता था, इन्होंने हजारों करोड़ का कोयला घोटाला किया है। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर ये मशीन में जाएंगे तो तुम्हें टिकट विकेट तो नहीं चाहिए, बताओ तुझे मंत्री पद चाहिए। बहुत प्यार से बता रहा है, सबको भी बता रहा, प्यार से मुझे बताया इसमें मुझे मंत्री पद चाहिए, कहां का मंत्री बनोगे तुम, कोई नहीं के? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री तो बीजेपी में नहीं बनाया, ठीक है तो मशीन में हो क्या होता है। अब अंदर इनकी धुलाई हो रही है, तुम क्या, तुम कहां से आते हो, तुम मशीन ठीक कर रहे हो। आओ भाई क्या बात है, फिर कर दो ऐसे कर दो यार, ऐसे कैसे बनते हैं, अब हम इनको कुरुक्षेत्र से लड़वा रहे हैं, पहले तुम चुनाव जीतो फिर तुम्हें मंत्री बनाएंगे, ठीक है, खुश है बहुत ज्यादा, जाओ तुम खड़े हो जाओ इसी में। ये कौन है, ये है पावरफुल पटेल, ये वाकई में ही दुखी है, ये अच्छा एक्टर है, ये बहुत दुखी है, इनके ऊपर भी इंडियन एयरलाइंस के अंदर घोटाले करने के आरोप हैं और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लंबी कैंपेन चला रही है, एनसीपी के बड़े नेता रहे हैं। और अब जाओ वॉशिंग मशीन के, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके पैसे काट रहे ड्रीमलैंड जनार्दन बंटी, इनके ऊपर भी बहुत सारे घोटालों के आरोप हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे साउथ दिल्ली के, और नई दिल्ली शुरू करेंगे, आप घुस जाओ उसमें वॉशिंग मशीन, आप तो मशीन ही तोड़ने का, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, तो क्या बनना है बताइए, जो आप बना देंगे, अभी तो हम सिर्फ जनता को बना रहे हैं, ठीक है। तो साथियों आपने देखा इस चमत्कारी मशीन का कमाल, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज, तो आपको मालूम होगा कि कैंपेन क्या थी, कैंपेन ये थी कि 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, और 2025 की 24 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सीधा 2046 और 2048 पे थे लोग, कह रहे थे 2046 में हम ये करेंगे, 2048 में हम ये करेंगे, 2050 में हम ये करेंगे, हमारे पास पूरा 25 साल का रोड मैप है, सारी ये बड़ी बड़ी बातें होंगी इस बार की तो बचाने में। और अब आप इनकी कैंपेन देखिए, अब कैंपेन कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन आ गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर अपोजिशन की सरकार बन गई तो ऐसा हो जाएगा,
अगर अपोजिशन की सरकार हो जाएगी तो ये हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन की सरकार आ रही है, ये कारण है। वरना इनकी कैंपेन नहीं बदलती। इनकी कैंपेन इसलिए बदली है क्योंकि इनको दिख रहा है कि अपोजिशन की सरकार